कृतिका आपकी सारी शक्ति मुझे मंजूर है। पंडित जी, एक खतरा तो टल गया। उर्वशी, एग्जैक्टली मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? कुणाल का फोन। क्या सोचा था, क्या देखा है, क्या चाहा था, क्या पाया है रिश्तों। I'm busy right now. बाद में फोन करिए। खाकर भी रिश्तों का साथ निभाया। करण भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? ऐसा इस गांव में पहली बार हुआ इलाका। आज से पहले यहां दूसरी पार्टियों के झंडे तक नहीं लगे। यहां जैसा लग रहा है जैसे जैसे पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया। हर इलेक्शन में इस गांव का हर वोट हमें मिलता है, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जैसे हमें एक वोट भी नहीं मिलेगा। ये सब इस इलाके की वजह से हुआ है करण। अरे जरा सी बात पे उस आदमी के ऊपर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी इसे? गांव के लोग गांव वालों का ही साथ देते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं समर भैया, हमारे होते हुए कोई आप लोगों से ऊंची आवाज में बात करें तो हमारा क्या फायदा? आप लोग तो चुनाव प्रचार करके चले जाएंगे, हमें तो यहीं रहना है ना। अगर आज उस बदतमीज को हम सबक नहीं सिखाते तो उसकी देखा देखी और लोग भी मुंह खोल लेते। इन गांव वालों में किसी का डर होना चाहिए, नहीं तो सबके पर निकल आते हैं। हम आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते बस। मगर मैं उसे समझा रहा था ना, मगर आपको बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? उसने हमारे सामने ऊंची आवाज से बात की थी। अरे मैं संभाल लेता उसे यार, मगर आपने तो क्या, आपने तो उन गांव वालों को आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं या मैं जानता हूँ? उनके साथ किस तरह पेश आना चाहिए मुझे पता है, और आप ना ज्यादा बोले तो अच्छा है। पर क्या कर लोगे तुम? क्या कर लेंगे हम क्या कर लेंगे? बस क्या हो गया तुम दोनों को? अब आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दोगे क्या? यही बाकी रह गया? रिलैक्स यार करण, इस आदमी को अपनी गलती का एहसास नहीं है। कोई गलती नहीं है, लाखा की कोई गलती नहीं है इसमें। यहाँ के लोग यही भाषा समझते हैं, इन्हें सबक सिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है। सो जस्ट चिल यार। करण तुम इसका साथ दे रहे हो क्या? ठीक है करण, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इन सब लोगों के सामने मुझे गलत साबित करके इसका साथ दोगे। करण पागल बन। ठीक है करण, मुझे लगता है तुम्हें मेरी अब जरूरत नहीं है। समर ये क्या कह रहा है तू? मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। क्या? आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा करण। देखते हैं ये आदमी तुम्हें कहाँ लेके जाता है। समर गुड बाय करण। समर ये क्या बचपना है यार। समर अपने रास्ते का एक कांटा तो साफ हो गया। करण भैया आप चिंता मत कीजिए, हवा के रुख बदलते देर नहीं लगती और हम रातों रात पूरे गांव की हवा बदल देंगे। आओ बैठो। हवा के रुख का अंदाज तुम्हें जब मालूम होगा करण बाबू, तब तक सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। याद है उर्वशी, जब तुमने शादी का फैसला किया था तब भी मैंने यही कहा था कि शादी के झंझट में मत पड़ो।
लेकिन उस वक्त तुम्हें कुणाल के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। मुझे अब भी कुणाल के सिवा और कुछ कहाँ सूझता है। मुझे नहीं लगता था कुणाल मेरे साथ ऐसा करेगा। यही हमारे लाइफ की ट्रेजेडी है उर्वशी। मेरी लाइफ का एग्जाम्पल हमेशा तुम्हारे सामने था। तुम मेरी शादी से पहले मेरे हस्बैंड से कितनी बार मिली और हमेशा तुमने यही कहा, रीना यू आर सो लकी, तुम ऐसे आदमी के साथ शादी कर रही हो। एंड व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड? शादी की पहली रात मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं, किसी दूसरी औरत के साथ था और मैं पागलों की तरह सारी रात घूंघट ओढ़े उसका इंतजार कर रही थी। उर्वशी, मुझे शादी के नाम से नफरत है। आई हेट मैरिज। और ये जो सारे मर्द है ना, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। They all have double standards. और जो मर्द सबसे ज्यादा वफादार नजर आता होगा ना, वही सबसे बड़ा बेईमान निकलेगा। It's amazing. और ये जो बीवी होती है ना, वो शौहर के लिए बनी होती है, उसकी खुशी के लिए। लेकिन शौहर बीवी के लिए क्या करता है कोई नहीं पूछता। That's exactly how our society works. Anyways, छोड़ो इन बातों को, ये पियो, थोड़ा सा आराम मिलेगा। तुम्हें पता है मैं नहीं पीती है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन इतनी सारी टेंशन लेकर बैठोगी ना तो दिमाग फट जाएगा। थोड़ी सी पी लो, यू विल फील बेटर, यू विल फील रिलैक्स्ड। इसे शराब नहीं दवा समझ कर पी लो। Come on, take a sip. उर्वशी, नींद की गोलियां या जहर खाकर मरने से बेहतर तो यही होगा कि अपनी जिंदगी अपनी तरह तो जियो। Come on. आइए करण भैया, गैर शाखा भीमा देवा, ये करण भैया। यहाँ से 50 गांव तक इनका नाम सुनते इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो काम कोई नहीं कर सकता ये लोग बड़ी आसानी से कर लेते। करण भैया रखिए, इनके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता, किसी की हिम्मत भी नहीं है कि इनके सामने चूं भी करे। इसमें खास आदमी है, आप इन्हें कुछ पैसे दे देंगे तो के बदले में लोग हर पोलिंग बूथ अपने कब्जे में होंगे, हर वोट माई जी के नाम पड़ेगा, सब चिंता खत्म हो जाएगी। लाका, मेरी बात को सुनो और समझने की कोशिश करो। इस चुनाव में हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। भागवत और उसके लोगों की 2400 घंटे हम पे नजर। हम एक गलत कदम उठाएंगे वो हमारा जनाजा उठा देंगे। लाका ले सुनो, ये मां की प्रेस्टीज का सवाल है। बैठ के चले जाने के बाद अगर हमने एक भी गलती की तो माँ के नाम पे आ जा सकती है और ऐसा होना नहीं चाहिए, तुम समझे? करण भैया, यहाँ हर इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग होती है। हम नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी वाले कर लेंगे। हालात कैसे भी हो हमें इनकी जरूरत पड़ती है। अगर हम इन्हें नहीं खरीदेंगे तो विरोधी पार्टी वाले खरीद लेंगे। अगर हमें इस क्षेत्र में वोट चाहिए तो इनके सहारे की जरूरत पड़ेगी हमें। मैं सौदा सस्ते में पटा दूंगा, भाई जी के नाम पर जरा भी आंच नहीं आएगी। आप इन्हें थोड़ा शगुन दे दें, बाकी तो मैं संभाल ही लूंगा ना। पक्का कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कट भैया, हम पर तो विश्वास है। आप इन्हें सेट कर दीजिए, बाकी तो मैं सेट कर ही दूंगा। अरे करण भैया, आप खुद ही अपने हाथों से दे दीजिए ना, बच्चे खुश हो जाएंगे। और याद रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो टिक मार्क किए वो देखो। मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता करण की हो रही है। अगर करण को सच्चाई का पता लग गया ना तो सबसे पहले ढूंढता हुआ मुझे आएगा वो, और गुस्से में उसे कोई भी नहीं संभाल सकता। अरे मैं आप लोगों से ही कह रहा हूं ये बात,
जब भी कोई मुश्किल पड़ती है सबसे पहले बुखार तुम्हें चढ़ता है। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कहीं कृतिका बगावत ना कर बैठे। अगर वो हमारे खिलाफ गई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। प्रिया को चुनाव में मात देने का सपना धरा के धरा रह जाएगा। और कृतिका के अलावा प्रिया को चुनाव में कोई नहीं हरा सकता। प्रिया जीत गई तो हम सब हार जाएंगे। हार के साथ साथ मार मिली तो क्या होगा? कृतिका को संभालना मेरी जिम्मेदारी। अगर आप लोगों को लगता है कि कृतिका से खतरा है तो आज के बाद कृतिका अपने घर में नजरबंद रहेगी। मैं उसे घर से बाहर निकलने ही नहीं दूंगा। इस चुनाव में मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और पराजय मुझे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। ये चुनाव कृतिका के बगैर उसके नाम पर लड़ा जाएगा। प्रियंवदा की पराजय के अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 12 बजे को शिफ्ट किया आपने तो ये वाली मीटिंग 1 बजे करा दीजिए। ठीक है मैम, मैं खाना लगवाती हूँ। श्वेता जरा फोन लगाइए घर, बहुत दिनों से बच्चों से बात नहीं। हाँ ऑफ कोर्स। बेल बज रही है। हेलो कुणाल, कैसे हैं? बच्चों से बात कराइए, बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई। बच्चे घर पर नहीं है, वो हॉस्टल गए। हॉस्टल में है? हमारे यहाँ आते ही इतना बड़ा फैसला ले लिया आप लोगों ने और हमसे पूछना तो दूर हमें बताना जरूरी नहीं समझा। वो फैसला इतनी जल्दी हो गया कि किसका फैसला था ये कुणाल? बच्चों को हॉस्टल भेजने का फैसला किसका था? उर्वशी का। उसे लगा कि यहाँ बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी इसलिए। उर्वशी ने कहा और तुमने मान लिया? उर्वशी से बात कराइए। उर्वशी घर पर नहीं है मां, बाहर गई है। रात को इतनी देर में? कुणाल ये क्या हो रहा है? बच्चे हॉस्टल में, उर्वशी घर से बाहर, तुम घर पर, हो क्या रहा है हमारे घर में? क्या हुआ मम्मी जी? पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है। आपका किला टूटना शुरू हो गया है ना प्रियंवदा देवी? अब देखिए हर चाल पर सिर्फ मात मिलेगी आपको। क्या सोचा था, क्या देखा है, क्या चाहा था, क्या पाया है रिश्तों से धोखा खाकर भी रिश्तों का साथ निभाया है। वो खाक कभी ना टूटेगा जो हमने ख्वाब सजाया है। क्या जताना चाहती हो तुम? क्यों इस घर की, इस परिवार की इज्जत को बर्बाद करने पर तुली हुई हो तुम?
मैं बर्बाद कर रही हूँ, मैं बर्बाद कर रही हूँ। हो सकता है, ये भी हो सकता है, शायद एक पत्नी का काम है कि उसका पति कहीं भी जाए वो घर पे बैठकर तूफान के थमने का इंतजार करे। पर मैं क्या करूं गुना, क्या करूं? शायद आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया मैंने। बताइए कुनाल, अगर मेरा रिश्ता किसी और। बकवास मत करो उर्वशी। आधे सच को पूरी हकीकत मान लिया तुमने। तुम अपनी गलत फहमी के आगे देखना नहीं चाहती, सोचना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। बात समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हारा कोई सपना नहीं तोड़ा और ना ही कभी इस सपने को टूटने दूंगा। झूठ, सब झूठ, सब झूठ। मुझे तो कुछ विश्वास नहीं होता कि यह सच है। क्या झूठ, कुछ नहीं मालूम नहीं पड़ता। ये बात का डर लगता है, ऐसी दुनिया में मेरे बच्चों का क्या होगा। क्या हो भी ऐसा ही झूठ तो कर देखेंगे।